नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय माँ काल आयुर्वेद। ये जो जड़ी बूटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खड़ी जड़ी बूटी है ये, और ये इसका पाउडर है, पिसा हुआ पाउडर है ये। और ये अलग इसलिए रखा कि इसमें पानी डाल के दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से चिपचिपा हो जाता है। ये बहुत रेयर जड़ी बूटी है मित्रों, इसको गोंदसी भी बोलते हैं। इसकी एक खासियत है, ये 1-1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ती। इसमें छोटे छोटे गोल गोल पत्ते होते हैं और ज़मीन पे ऐसी फैली रहती है, आप जाके देखेंगे तो ऐसा लगेगा सांप पड़ा है। और बस मोटी होती जाएगी, पर बढ़ती लंबाई इसमें बिल्कुल नहीं है। इसलिए इसको गोंदसी करके एक सांप होता है, इसलिए जो हमारी 65 दिव्य औषधियाँ उसमें इसका विवरण है। कई लोगों के प्रश्न थे कि गोंदसी मिले कहीं दिखाना, तो इसको जैसा सांप जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, ये मोटी होती है, इसके अंदर हड्डी वड्डी जैसा कुछ भी नहीं होता, मतलब बिल्कुल ऐसी लपलपी सी रहती है ये, और मुड़ जाएगी गोल। बस इसको वहाँ से काट लो तो फिर थोड़े दिन में फिर बढ़ जाती है, पर बढ़ती 1-1.5 मीटर, चाहे 4 साल पड़ी रहे चाहे 5 साल पड़ी रहे, बस मोटी हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, लंबाई नहीं बढ़ती इसमें कभी भी। इसकी ये विशेष पहचान है, उसमें लाल लाल रंग के जगह 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 धब्बे रहते हैं। ये बहुत ही रेयर औषधि है और बहुत ही ताकतवर औषधि है। इससे पारत का बंधन, पारत का शोधन भी होता है, और पारत के अंदर जो गर्मी होती है, तप्त दोष, उसको ये दूर करती है। पर इसमें रस नहीं निकलता है, इसको गीली करके और जो एक लसलसा सा रस, जो रस नहीं बोलेंगे उसको, गूदा सरीका बोलेंगे, उसी में इसको घोटना पड़ता है। परंतु ये ताकतवर असीम है मित्रों, ये सबसे ज़्यादा काम करती है। जो वात रोग है, शरीर में कमजोरी है, नपुंसकता की बहुत बढ़िया औषधि है। जैसा आपने देखा होगा ना, सांप जो है वो 1-1.5 घंटे तक संभोग करता है, लिपटा रहता है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी है। आदमी में अगर जल्दी उस्खलन हो जाता है, वीर गाढ़ा नहीं है, वीर पतला है, और इसी के साथ साथ ये उसको गाढ़ा करती है और रोकती है, बढ़ाती है, टाइमिंग को बढ़ाने में बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। आजकल ये तो मिलती नहीं मित्रों, बड़े मुश्किल से ये मिलती है। तो ये भी मुझे, मैं तो जानता था गोंदसी, तो कुछ आदिवासी समुदाय के लोग इसको खोद रहे थे, वो भी इसको काम शक्ति को बढ़ाने में लेते हैं। आजकल कोरोना के बाद से जो शारीरिक कमजोरियां जिनमें आ गई, थकान आ गई है, ये प्रोटीन है बहुत बढ़िया, थकान आ जाती है, काम में मन नहीं लगता है, शरीर में दर्द रहता है, हाथ पैर में दर्द रहता है, ये समस्त उपद्रवों को शांत करने वाली औषधि है ये गोंदसी। इसलिए इसको दिव्य औषधि का दर्जा प्राप्त है। ये इसका चूर्ण है, पिसने के बाद ऐसा हो जाता है। हमारा जो शक्तिवर्धक चूर्ण है उसके लिए हमने लाया है, उसमें हम इसको मिलाएंगे। ज़्यादा अगर तकलीफ है तो इसको सीधी भी दे सकते हैं, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ही जिनमें नपुंसकता है वो दूर हो जाती है। ये इतनी बढ़िया चीज़ है, परंतु इसको जब प्रयोग किया जाता है तो उस समय हमको महिला से दूर रहना पड़ता है, और खटाई, अचार, अधिक तेल मसाले का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल मूंग की दाल और रोटी का प्रयोग करें। ये बहुत ही, मैंने इसका अनुभव किया है, आदिवासियों से भी काफ़ी बात की है, ये बताते नहीं हैं वो लोग, परंतु मैं चूँकि जानता हूँ इसको गोंदसी कहते हैं, वो इसको बोलते हैं कामराज, परंतु ये कामराज नहीं है, कामराज दूसरा होता, परंतु वो इसको कामराज ही बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये काम शक्ति को खूब बढ़ाता है, खून को शरीर में खूब बढ़ाता है, मांस मज्जा को शरीर में खूब बढ़ाता है, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी रहेगी उनके दांत कमज़ोर हो जाएंगे, हाथ पैर में हमेशा दर्द रहेगा। ये कोरोना काल के बाद से जो इलाज हुए हैं लोगों को, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है लोगों में, काम शक्ति कमज़ोर हो गई है, वीर गाढ़ा पतला हो गया है, नपुंसकता आती जा रही है, धीरे धीरे चक्कर आते हैं। ये हृदय रोग को भी बल देने वाली चीज़ है मित्रों, शरीर के समस्त अंगों को बल देती है। ये प्राकृतिक प्रोटीन है, बहुत बढ़िया, जो भी प्रोटीन रहेगा उसमें थोड़ा सा भी पानी डालोगे तो गाढ़ा हो जाएगा।
जितना गाढ़ा और चिपचिपाहट मैंने इस औषधि में देखी है किसी भी औषधि में मैंने इतनी ताकत और इतना चिपचिपाहट नहीं देखी है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा पानी डाल के बताता हूँ ये कैसा चिपचिपा हो जाएगा बिल्कुल, और हाथ में एकदम चिपक जाए, मुँह में आप खाओगे ना तो मुँह में भी चिपक जाता है। ये देखो ये एकदम ऐसा हो जाएगा गोंद के जैसा। देखो मैं आपको दिखा, ये देख रहे हैं ना आप, ये ऐसा गोंद के जैसा हो जाए एकदम चिकना। अब इसको दो तीन बार साबुन के जैसे चिकना हो जाएगा, दो तीन बार धोगे तो ही निकलेगा ये इतना चिकना हो जाता है, ये बहुत ही चिकना हो जाता है इतने से पानी में। ये देखिए, ये देख रहे आप, दिख रहा होगा आपको, ये इसी तरह से हमारा वीर रहता है। तो ये वीर को भी इसी तरह से गाढ़ा बना देता है। देखो मैं थोड़ा सा, इधर पानी है, बहुत ही वीरवर्धक, इसको वीरवर्धक औषधि की संज्ञा प्राप्त है। ये देख रहे हैं इसमें लस, ये जो लस है जो हमारे पेट में जाता है तो आंतों में किसी प्रकार का घाव हो कैंसर बन रहा हो, आगे जाके घाव कैंसर में परिवर्तित होता है, आंतों के घाव को ठीक कर देता है, आंतों में चिकनाहट पैदा कर देता है, खाना अच्छा पचता है, लीवर को बहुत बढ़िया ताकत देता है और खाने को अच्छा पचाता है। ठंडा प्रकृति का है, जिन माताओं बहनों को सफ़ेद पानी की शिकायत है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज जो हमारे शरीर से पतला होकर निकल रहा है उसको ये रोकने में बहुत ही सामर्थ्यवान वनौषधि है ये मित्रों। आजकल ये मिलना ज़रा मुश्किल है क्योंकि इसकी पहचान ही बड़ी मुश्किल है, अनुभव होगा तो पहचान होगी, हम भी कई बार भूल जाते हैं। और ये क्या मट्टी पानी वानी गिरता है तो मट्टी की में दबी दब सी जाती है हल्की सी, तो ऐसा लगता सांप पड़ा है, अधिकांश लोग तो सांप सोच के दूर भाग जाते हैं। बिल्कुल गोंदसी सांप के जैसी होती है, गोंदसी एक लाल रंग का सांप होता है जिसको लोग गलत तरीके से मार के सेक्स को बढ़ाने के लिए खा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, उसमें तो ऐसा नहीं होता, परंतु ये उसी के समतुल्य वन औषधि है। मेरे ख्याल से लोगों में गोंदसी को देखकर ही लोगों ने गोंदसी सांप को मारना शुरू कर दिया होगा, ऐसा मेरा मत है। वो है वास्तव में जड़ी, बिल्कुल दूर से पड़ी रहती है, आड़ी टेढ़ी अच्छी मोटी हो जाती है, आधा इंच डेढ़ इंच दो इंच तक मोटी होती है और उठाएंगे तो बिल्कुल झुक जाएगी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की अंदर मोटी कोई जड़ नहीं होती इसमें, तो जहाँ लगी रहेगी वहाँ दो तीन पत्ते रहेंगे बस, और इसके ऊपर भी एक दो पत्ते रहेंगे। जैसे ही मई जून का महीना आता है, जून का पहला पानी गिरा और ये उग जाती है, उगी तो पड़ी रहती है पर लालपन आ जाता है इसमें तो पहचान में आती है, इसके बाद ये घास में दब जाती है फिर नहीं मिलती, फिर आप ढूंढते रहोगे तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पत्ते पत्ते कहीं कहीं दिखेंगे, पत्ते भी इसमें बहुत कम आते हैं, फूल तो मैंने फल इसमें देखे ही नहीं, फूल फल नहीं देखे, केवल गोल 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 पत्ते आते हैं मोटे से। और इसके भी जैसे दो चार छः औषधियाँ और होती हैं तो आदमी फिर उसमें धोखा खा जाता है। तो ये मित्रों देख लें, मैंने इसको काम शक्तिवर्धक चूर्ण में मिलाने के लिए लाई है, और जिनको ज़्यादा समस्या है तो फिर इसको सीधे ही दे देते हैं। तो इसको और अधिक पावरफुल बनाने के लिए जो हमारी 51 औषधि का चूर्ण है उसमें इसको मिलाना है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद, मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा मोबाइल नंबर है। मैं गया तो कुछ खोजने था पर ये वहाँ जहाँ मिलेगी वहाँ 7-8 एक जगह ही मिलेगी झुंड में, क्योंकि इसकी जड़ जो रहती ना, इसकी जो बेल रहती है उसी में से फिर दूसरी बेल निकल आती है, या उस बेल को सूखती नहीं है ये कभी, बस थोड़ी सी दुबली हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और जैसे ही पानी गिरेगा तो फिर फूल जाएगी, ऐसा ये चलता रहता है, इसका सूखती कभी नहीं है। इसके अंदर जो इतना लसलसा पदार्थ है, ऐसा बोलते हैं कि गोंदसी की जड़ खाते थे साधु संत, हिमालयन साधु संत खाते थे तो उनकी उम्र बढ़ती थी, 200-200 साल 300-300 साल जीते थे। उम्र को बढ़ाने वाली औषधियाँ, उम्र कैसे बढ़ेगी, अगर आप में प्रोटीन बढ़ेगा कोई बीमारी नहीं होगी, तो ये बीमारी को भी रोकती है और प्रोटीन को शरीर में बढ़ाती है,
इसको खाने के बाद भूख नहीं लगती जल्दी, क्योंकि इतना अधिक इसमें शक्ति है कि हमको फिर अन्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जिनको कमजोरी है तो उसमें ये बहुत तेज़ी से चली जाती है अंदर और शरीर के समस्त अंगों को बल देती है। इसलिए साधु संत इसका प्रयोग हमेशा करते थे। एक टुकड़ा खा लिया, फुर्सत है, बैठे हैं, राम भजन कर रहे हैं। तो हिमालय में बहुत सारी ऐसी दिव्य औषधियाँ हैं और ये दिव्य स्थान पर ही मिलेगी, भोलेनाथ के स्थान पर मिलेगी। हर कहीं जंगल में आप ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेगी। जहाँ भी पानी का स्रोत होगा, भोलेनाथ का स्थान होगा, वहीं ये मिलेगी। क्योंकि ये सर्प से, सांप से मिलती जुलती है, इसलिए भोलेनाथ के भी गले में सर्प है। सांप एक ऐसा प्राणी है मित्रों, पूजनीय प्राणी है। सबसे ज़्यादा पूजा सर्प की होती है हमारे भारतवर्ष में। नागपंचमी आपने देखा ही होगा कि उसके कान तो नहीं होते, पर वो प्रतिध्वनि सुन लेता है। पूरा शरीर उसका कान के जैसा काम करता है, जरा सी धमक। इसलिए आदिवासी जब हम जंगल में घूमते थे तो बोलते थे, साहब थोड़ा पैर पटक के चलो, ताकि इस तरह का कोई कीड़ा कांटा हो तो भाग जाए। जरा सा भी कंपन, जरा सी भी ध्वनि, उस पूरा शरीर उसका कंपित कर देता है। तो ये गोनसी जो है उसी से मिलती जुलती है। सांप की आयु इतनी होती है कि अपन कह नहीं सकते, सांप कभी अपनी प्राकृतिक मौत से नहीं मरता। तो मेरे विचार से ये उसी की संज्ञा प्राप्त है और आदमी की आयु बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग संत महात्मा आदि करते चले आ रहे हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय माँ काल आयुर्वेद। मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर बता ही दिया है। प्रणाम सबको, सबको नमस्कार। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखिए, समझिए, सबको बताइए। भारतवर्ष में भगवान शिव की कृपा से इतनी दिव्य औषधियाँ हैं, इतनी दिव्यता प्राप्त है। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी दिव्य है, इतनी महान और परिपूर्ण है, भरी हुई है, उसमें कुछ भी खालीपन नहीं है। फिर भी हम दूसरी औषधियों की तरफ भागते फिरते हैं। नाना प्रकार के प्रोटीन केमिकल खाते हो आप, अरे जड़ी बूटियों में इतनी सामर्थ्य है जिसकी हद नहीं, बशर्ते कि हमें उसका थोड़ा सा ज्ञान हो, समझें उसको, हम समझें। और ये सब ज्ञान, दिव्य ज्ञान आदिवासियों को है मित्रों, बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों को भी नहीं है ये ज्ञान, जो आदिवासियों के पास विलुप्त। इसका विवरण किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। आयुर्वेद की मैंने हजारों किताब पढ़ी है, परंतु केवल आबूकल्प में इसका विवरण है, और कहीं नहीं मिलेगा इसका विवरण। आबूकल्प में गोनसी के नाम से मिलेगा इसका विवरण। और आप बाकी इसको आदिवासी तो कामराज बोल देते हैं, तो आप ढूंढोगे कैसे? तो अध्ययन सतत करें, घूमें फिरें, तब जाके हमको कोई चीज़ का ज्ञान होता है। घर में बैठ के कुछ भी नहीं मिलता मित्रों। नमस्कार मित्रों।